तो जी दोस्तों, ये मैंने 100 ग्राम खुशखबरी ली है और इसको मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। जितना पानी हमने इसमें डाला था वो सारा इसने, ये देखिए, इसमें अपने में सक कर लिया है। और अब हम इसमें 1 कप शामिल और करेंगे पानी का एक्स्ट्रा। बिस्मिल्लाह। और 50 ग्राम मैंने, ये देखें, इमली ली है और इसको भी मैंने 4 घंटे भिगो दिया है। और 4 घंटे जब इसको हो जाएंगे, इसका पल्प निकाल देंगे हम। तो जी दोस्तों, ये देखें, माशाल्लाह खुबानियां बॉयल होना शुरू हो गई हैं। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट और पकाएंगे। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, ये देखें, माशाल्लाह खुबानियां हमारी बॉयल हो गई हैं। 5 मिनट हमें हो गए हैं, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक बार फिर इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसको दोबारा हम पकने के लिए रखते हैं। और दोस्तों, ये देखो, मैंने इमली का पल्प भी निकाल लिया है और अब हम इसको भी बीच में शामिल करते हैं और इसको भी पकाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, ये इमली का पल्प और खुबानी की, ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बकाया मसाला जो शामिल कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, ये 1 टीस्पून मैंने सफेद जीरे का लिया है और इसको मैंने रोस्ट कर लिया था और इसका पाउडर बना लिया है। और अब इसको बीच में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, ये 1/2 टीस्पून मैंने काले नमक का लिया है और 1/2 टीस्पून सादा नमक का। और अब हम इसको बीच में शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और 1 कप शुगर का बीच में शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून हम चिली फ्लेक्स का यूज करेंगे बीच में। और 1 टीस्पून चाट मसाला। तो जी दोस्तों, ये सब कुछ हमने ऐड कर दिया बीच में और अब हम टोटल इसको 2 मिनट और पकाएंगे, फिर मजेदार सी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। और हमने इसमें पुदीने के और धनिया के पत्ते, वो भी हमें इसमें ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून पुदीना, इसको ग्राइंड कर लिया मैंने और अब बीच में इसको शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब हमारी बड़ी मजेदार खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है और बड़ी मजेदार रही है। चटपटी खट्टी मीठी चटनी हमारी बड़ी मजेदार तैयार हुई है। इसको आप यूज करें पकौड़े के साथ, फिश के साथ, चरगे के साथ, किसी चीज के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, बड़ी मजेदार बनी है। तो जी दोस्तों, मसालेदार खट्टी मीठी चटनी हमारी बड़ी मजेदार तैयार हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।